एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीटीएफटी के एक और क्वेश्चन के बारे में, जहां पे हमें सिग्नल xn = 7/5 sinc n/2 अपॉन 5 का डीटीएफटी निकालना है। sinc फंक्शन का डीटीएफटी तो अब तक हमने नहीं पढ़ा था, तो आपको अब इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। अगर हमने डीटीएफटी नहीं पढ़ाता तो एक फॉर्मूला जरूर पढ़ाता जिसको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, जो सिंक फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। मान लो कोई सिंक x है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, साइन पाई से मल्टीप्लाई करके जो भी अगर लिखा होता है उसके, ये होती है सिंक फंक्शन की डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 7/5 साइन, क्या किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, पाई से जो भी अंदर लिखा हुआ है, एन माइनस टू अपॉन फाइव, यही डिनोमिनेटर में आएगी चीज जो अंदर लिखी हुई है, पाई मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू अपॉन फाइव। तो हमें इसका डीटीएफटी निकालना, ठीक है। अब देखो यहां तक बात समझ आई, एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था साइन, अगर याद हो तो आपको, साइन नहीं याद है तो पीछे वीडियो जाके आप देख सकते हैं, सेकंड या थर्ड वीडियो मैंने पढ़ाया था साइन ओमेगा सी एन अपॉन फाई एन का डीटीएफटी मैंने बताया था क्या होता है। साइन ओमेगा सी अपॉन पाई एन का डीटीएफटी होता था, केवल हम एक इंटरवल पर बना रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी एक इंटरवल पर बनाया था, कितना होता था, माइनस पाई से एक इंटरवल पर बनाएंगे केवल टू पाई के, ठीक है, टू पाई से ये क्या होता है डीटीएफटी पीरियोडिक होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती थी कहां से कहां तक होती थी, माइनस ओमेगा सी से लेके प्लस ओमेगा सी के बीच में, और इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे वन है तो वन लेंगे, टू होता था टू लेते, ये होती थी। इसी चीज को मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या इसको मैथमेटिकली, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो एक ही इंटरवल के लिए तो हमें लिखना है, एक इंटरवल के लिए लिख लो कैसे भी इसको, बाकी का ये ये पहले से हमें पता है कि टू पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा होगा, तो बस केवल एक इंटरवल पर बात करेंगे हम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू वन है, कब, जब तक हमारा जो ये ओमेगा है इसका मोड ऑफ ओमेगा है वो किससे छोटा है, ओमेगा सी से, यानी ओमेगा की वैल्यू जब माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी के बीच में तो वैल्यू कितनी रहने वाली, वन। उसके अलावा ओमेगा सी और पाई और माइनस ओमेगा टू पाई उसके बीच में वैल्यू कितनी है, जीरो। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इस बार मोड ऑफ ओमेगा को किससे छोटा करना पड़ेगा, ओमेगा सी से तो वो बड़ा है, और जब वो पाई से पाई के बराबर जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी जब ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा सी और पाई के बीच में जाएगी तब भी जीरो है, यहाँ पे देखो ये जीरो, और ओमेगा सी से पाई के बीच में जाएगी तब भी जीरो। तो हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम इसका, उसी के हिसाब से हम बढ़ते चले जाएंगे। देखो जो क्वेश्चन है उसको देखना, अभी ये जो मैंने लिखा इस वाले को हटा दूं मैं, इसी को जरूरत नहीं है, ठीक है, ये केवल दिखाने के लिए था मेरा, ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ अच्छे से। अब देखो मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लिया उसी चीज को, ठीक है, वो फिगर मैंने हटा दिया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये टू पाई के बाद रिपीट कर रहा होगा। अब देखो जो हमें बनाना है, तो साइन हमें देख रहा है यहाँ पे पाई एन माइनस टू एन माइनस टू, इसका मतलब ये तो टाइम शिफ्टिंग है एन माइनस टू। उसके अलावा देखो साइन पाई यहाँ पे ओमेगा सी है और डिनोमिनेटर में फाइव, ठीक है, तो अगर एन माइनस टू को मैं एन जैसे मान लू थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे ओमेगा एन से किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, पाई अपॉन फाइव की,
या नीचे डिनोमिनेटर में भी वही पाई अपॉन फाइव, तो मैं क्या करता हूँ ओमेगा सी को इससे रिप्लेस कर देता हूँ पाई बाय फाइव से, क्या ताकि जो साइन के अंदर है वो चीज तो कम से कम बने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ रिप्लेस ओमेगा सी बाय पाई बाय फाइव। तो जब इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ये साइन पाई पाई बाय फाइव एन, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, वहां पे ओमेगा सी है नहीं, जहां जहां पे ओमेगा सी है वहां पे रख दो पाई बाय फाइव। तो यहाँ पे ये लिमिट में आ रहा तो इसके ये हो जाएगा पाई बाय फाइव, जब तक पाई बाय फाइव के बीच में रहेगा ओमेगा माइनस पाई से पाई बाय के बीच में, जब तक वैल्यू वन, और जीरो कब रहने वाली है जब वो पाई बाय फाइव से पाई के बीच में या माइनस पाई के बीच में जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ वहां तक बन गया। अब देखो अब क्या करते हैं, साइन के अंदर पाई बाय फाइव एन तो बना लिया मैंने पाई बाय फाइव, अब क्या है एन माइनस टू है, डिनोमिनेटर में भी एन क्या है एन माइनस टू है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर देता हूं रिप्लेस एन बाय एन माइनस टू, एन को एन माइनस टू से रिप्लेस कर दिया मैंने, जहां जहां पे एन था ऊपर वहां पे एन माइनस टू लिख दिया। तो अगर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आ गई, अगर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है n को n माइनस एन नोट से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाता है पुराने वाले जो ट्रांसफॉर्म होता है उसमें e की पावर माइनस j ओमेगा n नोट से मल्टीप्लाई हो जाती है, और n नोट हमारा कितना हो जाएगा 2। तो हमारा यहाँ पे जो DTFT है पहला पुराना 1 था उसमें किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी e की पावर माइनस j ओमेगा n नोट की जगह कितना मेरा 2, बाकी का लिमिट में तो कोई फर्क नहीं आएगा टाइम शिफ्टिंग से। और ये जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही रहने वाला, जीरो पे कोई फर्क नहीं आएगा पाई बाय फाइव, और ये आ गया पाई। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो क्या क्या रह गया वहां पे, ऊपर देखो साइन पाई बाय फाइव एन माइनस टू और पाई एन माइनस टू, मैंने बना दिया साइन पाई एन माइनस टू बाय फाइव, साइन के अंदर जो चीज चाहिए थी वो बन गया, और डिनोमेटर में पाई एन माइनस टू, क्यों डिनोमेटर में फाइव रह रहा, पहले डिनोमेटर में यहाँ पे ये वाला फाइव रह रहा, कौन सा वाला ये वाला फाइव, तो मैं क्या करूंगा फाइव के मल्टीप्लाई फाइव पर डिवाइड कर लूंगा ताकि ये बन जाए। ठीक है, एक बार ये बन गया फिर तो हम बना ही देंगे आगे। तो पहले नीचे फाइव बना, फाइव कैसे बना सकता हूं मैं, अब इस वाले पार्ट का तो कोई यूज है नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय पाई बाय फाइव, पांच से मल्टीप्लाई करना है पांच से डिवाइड करना, तो मुझे फाइव एक तो यहाँ चाहिए, अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी पांच की मल्टीप्लाई, पांच से अगर मैं डिवाइड किया, अब यहाँ ध्यान से देखो ये वाली चीज तो मैंने बना ली, अब यहाँ से तुम ध्यान से देख रहे हो ये वाली चीज मैं बना चुका, ठीक है, ऊपर जो था ये ही वाली चीज जो पूरी चाहिए थी मुझे साइन पाई एन माइनस फाइव पाई एन माइनस फाइव, ये तो बन गया। ठीक है, फाइव इधर डिनोमिनेटर में, इसी चीज को मैं इस वाले फाइव को कैसे लिख सकता हूँ वन बाय फाइव, क्योंकि न्यूमेरेटर में ये वन अपॉन फाइव लिख लूंगा मैं इसको। और पहली बात राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं आएगा, इसको एज इट इज उतार देंगे, तो उतार देता हूँ मुझे, देखो मैं उतार दिया। अब क्या क्या मिसिंग है बस ये देख लो, कुछ और मिसिंग है जो बना रह गया, फाइव का भी इंतजाम हो गया, अब केवल सेवन है, और सेवन की क्या करना पड़ेगा मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सेवन साइन पाई एन माइनस टू अपॉन फाइव, इस वाले फाइव को मैं सेवन के नीचे लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ही, और इस वाले फाइव को इसलिए जहां पे था वहीं पे लिख देता हूँ। इसका डीटीएफटी कितना हो जाएगा सेवन से मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगी सेवन इंटू ई की पावर माइनस जे टू ओमेगा
ये बाकी का सेम रहेगा, ठीक है। यहां तक बात पहुंची। अब यहाँ पे बस देखो जो हमें चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है, ये समझ लो हम, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस नेक्स्ट लाइन में क्या कर देंगे, ये क्या पूरा सिंक फंक्शन है वही वाला जो गिवन था, इसी को मैं सिंक करके लिख देता हूँ। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, 7/5 सिंक। अब ये हट जाएगा सारा, क्या बचेगा, n-2/5, ठीक है। पूरे इस वाले ये क्या मेरा सिंक बन गया पूरा, जो भी था यही इसी चीज को हमने क्या करा था, ब्रेक करके लिखा था। तो इसी का हमारे पास DTFT कितना आ गया, (7e^j^2ω). यही ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा होगा, 2π इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। जो भी पीरियडिक सिग्नल होता है उसका हम एक पीरियड पर बात करते हैं, यही बुक में दिखाया हुआ होता है उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल एक ही पीरियड पर छोड़ देना, दिमाग में ये रहना चाहिए, अच्छा 2π इंटरवल के बाद भी ये क्या हो रही होंगी, इम्पल्स जो भी हमारे पल्स है अपने आप को रिपीट कर रही होंगी। तो फिलहाल जो हमसे पूछा गया था उसका DTFT हमारे पास आ चुका। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ आया होगा। आप फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एक बार देख लेते हैं कोई स्टेप मिस तो नहीं हो गया, देख ले ध्यान से। अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। आप फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।